हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनु है और आज मैं एक लेकर आया हूँ सच्ची घटना। कहा जाता है इतिहास के सीने में दफन कुछ ऐसे राज, जो राज ही रहे तो बेहतर है। और जो कोई भी इन राजों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं वो इतिहास के सीने में खुद ब खुद दफन हो जाता है। और आज मैं लेकर आया हूँ एक सच्ची घटना। 84 गांव रातों रात हुए गायब, इसके पीछे किसका हाथ था और क्या कारण, आपको बताता हूँ उस कुलधरा की सच्ची कहानी। कुलधरा ये एक काफी विकसित गांव था और इस गांव में बहुत लोग खुशी से, अमन से, चैन से रहा करते। पर ऐसी क्या बात थी जो वो रातों रात गांव छोड़कर चले गए। कहा जाता है उस समय पालीवाल ब्राह्मण काफी ज्यादा सफल थे, हर एक जगह पे सफल थे, चाहे वो पशुओं का मामला हो या रेगिस्तान की तपती गर्मी में पानी का मामला, वो हर एक जगह पर सक्षम थे। इतिहास का सबसे क्रूर राजा सालिम सिंह, कुछ लोग उसको जालिम सिंह भी कहा करते थे, उसने अपने पिता की हत्या खुद की थी। भरे दरबार में उसने अपने पिता की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था, इसलिए उसका खौफ बहुत ज्यादा अधिक हो गया। इस बीच वो कुलधरा गांव में जाता है कर इकट्ठा करने और गांव को देखने। इस बीच उसको एक लड़की दिखाई देती है, वो लड़की पालीवाल ब्राह्मणों की थी। सालिम सिंह को उससे प्यार हो गया। सालिम सिंह कोई ना कोई कारण से उनके गांव में आता जाता था। बात तो तब हाथ से बाहर गई जब सालिम सिंह ने कहा कि उस लड़की को मेरे महल भेज दो। उसने पूर्णमासी तक का समय दिया और उसने गांव वालों को ये धमकी दी, जब लड़की पूर्णमासी के बाद उसके महल नहीं गई तो पूरे गांव पर हमला कर दे। और जितने भी 84 गांव के बड़े बुजुर्ग थे सब एक जगह इकट्ठे हो गए, वो मंदिर बन ही रहा। कई लोगों ने ये सुझाव दिया कि हम सालिम सिंह पर हमला कर देंगे, पर उनको इस बात का भी डर था कि उनकी फौज उनसे हार जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि हम उसी रात सब गांव छोड़कर चले जाएंगे और सब एक साथ जाएंगे। वो जानते थे कि ये बात लंबे समय तक गुप्त नहीं रखी जा सकती, इसलिए उनको उसी रात ये काम को अंजाम देना पड़ा। और उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार था और जाते हुए पालीवाल ब्राह्मणों ने उस गांव को श्राप दिया कि जो भी कोई इस गांव में आएगा वो खुश नहीं रह पाएगा, वो अपना वंश नहीं बढ़ा पाएगा। और ये बात सच भी है, वो आज तक गांव वीरान है। पैरानॉर्मल रिसर्चरों ने उस पर रिसर्च की और उनको वहां पर चौंका देने वाले सबूत मिले। उन्होंने महसूस किया कि वहां किसी की बैलों की आवाज, किसी की हंसने की आवाज, बाजारों की आवाज आया करती थी। सरकार ने भी वहां पर सूर्यास्त होने के बाद जाने से मना किया।